हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए जो 12th क्लास की जो मैथ की जो वीडियो चल रही थी, इसमें प्रायिकता जो नाम का जो टॉपिक हमने ले रखा था, उस प्रायिकता की ये जो आपकी तीसरी वीडियो है, इससे पहली दो वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना। उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। इसमें जो लास्ट वीडियो है, इसमें आपके 3-4 प्रश्न हम हल करेंगे और उसके बाद में ये पूरे आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रायिकता के जो 10 नंबर का आते हैं सवाल, देखिए ये जो पहला दूसरा ये जो सवाल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमने हल करा दिए जिन पर टिक लग रहा है। आज जो हमें इन सवालों को कराएंगे, ठीक है। ये वाला छठा सवाल है, देखिएगा छठा सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है छठा सवाल? कह रहा है कि एक गेंद, दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रस्तावित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों के लाल होने की। यानी कि कोई एक बॉक्स है, ध्यान से समझ लेना सवाल को, ये बॉक्स है, इसमें गेंद रखी हुई है कुछ, ठीक है। अब इस गेंद में आपकी कितनी है, जो लाल है कितनी है? इसमें लाल तो है 8, ये दे रखी, और 10 है काली। काली कितनी है बोले तो, ब्लैक कितनी है? 10 है। अब पहली जो प्रायिकता इसमें निकालने के, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, दो गेंद निकाली जाती हैं। तो हमने पहली गेंद निकाली, तो पहली हम पहली गेंद निकालेंगे। पहली गेंद निकाली हमने, तो क्या लाल होने की प्रायिकता उसके लिए क्या हो जाएगी? पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये हमने P और यहां पे लिख दी R1, यानी कि रेड 1, यानी पहली रेड निकाली है। तो टोटल गेंद कितनी है? 10, 8, 18 हैं, और लाल होने की प्रायिकता पूछिए तो लाल कितनी है? लाल 8 है, यानी उन्हीं 8 में से तो एक निकलेगी, तो ये हो गई। अब दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दूसरी भी तो निकालनी है। दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PR2 बराबर, टोटल गेंद कितनी है? 10, 8, 18 हैं, और इसमें से भी वही ऊपर कितनी 8 में से आएगी। आप बोलोगे बिना प्रतिस्थापित किए निकाली है, इसीलिए हम इसमें ना तो कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं। अब दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों गेंदों की लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो इनको गुणा कर देंगे, केवल क्या कर देंगे? गुणा। तो PR1 R2, यानी दोनों के लाल होने की प्रायिकता, तो पहली की कितनी आई थी? 8/18 आई थी, और दूसरी की कितनी आई थी? दूसरी की भी 8/18 आई थी, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 × 8 दोनों में 18 है, 2 × 8 दोनों में 18 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 16/9 = 81। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरे में, यानी पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट गया, पहली काली में दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो देखिएगा, अब के हम दूसरे इसमें कर रहे हैं पहली काली, तो पहली काली गेंद होने की प्रायिकता, पहली काली गेंद होने की प्रायिकता अपने आप लिख लेना। पी, और मैं काली को बोलते हैं ब्लैक, तो B1, ठीक है। तो देखिएगा, टोटल गेंद कितनी थी? 18 थी, और काली कितनी है? 10 है, तो ये 10/18 है। और दूसरी क्या है? दूसरी आपकी कैसी होनी चाहिए? दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो यानी कि पी, और दूसरी कैसी है आपकी? R2, यानी दूसरी गेंद कितनी है आपकी? PR2, यानी दूसरी लाल। लाल कितनी है? लाल की तो हमने क्या है, 10, यानी टोटल गेंद कितनी है? 18 है, और लाल कितनी है इसमें? लाल है आपकी 8, तो कितना हो जाएगा? 8/18। तो दोनों के मतलब क्या है, अब लिख दोगे कि पहली काली, देखिएगा ये पहली काली, और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी? पहली ब्लैक, और दूसरी कैसी? रेड। तो यानी कि 10/18 × 8/18। समझ में आ गई बात? इसको काट दो, 2×5 = 10, दोनों में 18, 2 × 8 दोनों में 18, तो कितना हो जाएगा? 5×20 = 981। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई, ठीक है। इसी तरीके से कर लेना है, आप ये लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहली ब्लैक और दूसरी रेड, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का
होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए पहले का पत्ता और दूसरा पत्ता, ठीक है, तो दोनों पत्ते काले। तो आप जानते हो कि ताश की जो गड्डी होती है उस गड्डी में आपका पता है कितने, उस ताश की गड्डी के बारे में बता दें तो दो कलर के पत्ते होते हैं, काले और लाल, ठीक है। काले कितने होते हैं, काले आपके 26 होते हैं, लाल आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं। जो काले होते हैं उसमें कौन कौन से पत्ते आते हैं, हुकुम और आते हैं आपका चिड़ी, ठीक है, चिड़ी। और ये जो है लाल में कौन से आते हैं, पान और आता है आपका क्या, ईंट, ये पत्ते होते हैं। और टोटल ये कितने कितने होते हैं, 13 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 और ये भी 13, यानी टोटल मिला के 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें पूछा है कि 52 पत्तों में बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले गए, तो यानी कि दोनों पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, जो पहले दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ B1 और B2, यानी कि दोनों के पत्ते कैसे हैं, ब्लैक होने की प्रायिकता। तो पहले के ब्लैक होने के यानी 52 बट्टे कितना हो जाएगा, 26 गुणा, और दूसरे की भी कितनी हो जाएगी, 52 बट्टे 26। क्यों, क्योंकि पहले जो ब्लैक हैं टोटल पत्ते कितने, 52, काले कितने हैं, 26 हैं, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए, तो फिर दूसरी बार में भी 52 लिए जाएंगे। यदि वो कहता कि एक के बाद एक निकाले गए, तो फिर जो 52 में से निकल के है, यदि अभी मैं तुम्हें वो भी समझाता हूँ, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 28 दूनी 25 दूनी 50, यानी 26 दूनी 52, इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, यानी कि 13 दूनी 26 और ये 26 एकम 26 26 दूनी 52, इस तरीके से कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 बोले तो 1/4 इज योर आंसर, ठीक है, इस तरीके से 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, वो क्या, कि यदि वो कहता कि एक के बाद एक पत्ते निकाले गए हैं, ठीक है, कहता कि एक के बाद एक पत्ता निकाला जाता है, दो पत्ते निकाले और एक के बाद एक निकाला गया है पत्ता, निकाला गया, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक के बाद एक, तो आपका जो पहला और दूसरा, तो अब जो पत्ता है, पहले तो 52 पत्ते थे, 52 में से एक पत्ता निकलेगा तो वो काले आने की प्रायिकता 26, ठीक है। अब एक के बाद एक यानी एक पत्ता निकलेगा, तो अब पत्ते कितने बचे, 51 बचे, ठीक है, और वो वाले जो पत्ते कितने बचे, यानी ब्लैक वाले पत्ते कितने, क्योंकि एक काला होने की प्रायिकता तो निकल गई, तब वो पत्ते कितने, 25 बचे, इस तरीके से। यदि कहे कि एक के बाद एक निकालना है और वो कहे कि बिना प्रतिस्थापित किए निकालना है, तो फिर आपको वो पूरे के पूरे लेने, 52 और 26, समझ में आ गई बात। यदि कहे कि एक के बाद एक निकाला गया, तो फिर आपका वो कम होते चले जाते हैं, जितने पत्ते कम होंगे उतने ही वो कम हो जाएगा, ठीक है, फिर आंसर ये आएगा। इसको काट दीजिए, 26 एकम 1 26 दूनी 52, तो कितना आ जाएगा, 25 बट्टे और 50 दूनी 100 102 आ जाएगा, ये दिस इज योर आंसर, समझ में आ गई बात। जब कहे कि एक के बाद एक, यानी कि पहले पत्ता एक निकलेगा, फिर उसमें से उतने ही पत्ते कम होते जाएंगे जितने पत्ते निकलते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपसे कहता, देखिएगा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से, एक के बाद एक तीन पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। देखो ये वही प्रश्न आ गया, तो पहले दो पत्ते बादशाह और तीसरे पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले की तो बादशाह, ठीक है, पहला बादशाह क्या होता है, बादशाह होता है आपका के, ठीक है, के को बोलते हो आप बादशाह, ठीक है, और आपका पहले दो पत्ते बादशाह, यानी कि ये बादशाह ये भी बादशाह, यानी पहला दूसरा बादशाह और तीसरा क्या होने की, इक्का होने की, इक्का क्या होता है, ए, यानी कि ये तीसरे इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिएगा ये, और एक के बाद एक निकालेंगे, ध्यान से समझ लेना, तो देखिएगा टोटल 52 पत्ते, कितने 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल कितने 52 पत्ते हैं, 52 में से कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं गुणा, ठीक है। अब अगले बादशाह निकालने के लिए अब पत्ते कितने बचे, क्योंकि एक के बाद एक निकाला गया है, तो अब 51 बचे और बादशाह कितने बचेंगे, 3, चल भाई क्योंकि एक तो निकल गया। अब आगे कितने पत्ते बचे, अब ये पत्ते बचे 50, ठीक है, और इक्का कितने होते हैं, इक्का होते हैं 4, समझ में आ गया, अभी तो इक्का उसमें इतने ही है, तो ये दिस इज योर आंसर, समझ में आ गई बात नहीं आई, ठीक है, इन्हीं बातों को यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये 13 से 13 बार कट जाएगा, और ये कितने 3 से कट जाएगा, कितने बार, और 3 से ये कट जाएगा, 17 51, और ये देखिएगा ये कट जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये 25 दूनी 50, तो ये क्या आ जाएगा, 2/13 गुणा 17 गुणा 25,
आप गुणा कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा, 2 बट्टे जो भी कुछ आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, आपको ये देखो एक बार मैं फिर से और बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, कि आपको एक के बाद एक 3 पत्ते निकालेंगे। तो पहले 2 पत्ते बादशाह, तो देखिएगा पहला मतलब 52 पत्ते हैं, पहला एक पत्ता खींचा वो बादशाह है। बादशाह कितने होते हैं? एक गड्ढी में 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, गुणा। अब उसने कहा है कि एक के बाद एक, तो यानी एक पत्ता निकल गया बादशाह का, तो अब कितने बचे? 51 पत्ते बचे गड्ढी में। और बादशाह कितने बचे होंगे? जब एक बादशाह निकल गया, टोटल 4 होते हैं, तो बचे 3, तो 3 बट्टे 51 गुणा दूसरा तीसरा पत्ता 51 है, यानी कि आपका 52 पत्ते थे, एक निकल गया, 51 बचे, 51 में से भी एक निकल गया, तो 50 बचे, और 50 में से अभी इक्का कितने हैं गड्ढी में? तो 4 इक्के होते हैं, तो तीसरा पत्ता 51 होने की प्रायिकता, यानी 4 बट्टे 50। समझ में आती बात नहीं है? इस तरीके से आपको अभी सॉल्व करके लिख देना है, बस यही कंसेप्ट है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, और एक कभी कभी सिक्के वाले आ जाते हैं, सिक्के को उछालिए या पासे वाले, तो वो भी बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, देखिएगा आप कमेंट करके बता देना है, पासे पासा और आपका सिक्का, उसके ऊपर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है।